Assalamu alaikum, this is Adan Aslam and CEO of the Masters Academy of Martial Arts and having black belt for Dan. Or I'm also international player and I have represented many times in Pakistan. Alhamdulillah Asian Karate medalist bhi hoon aur world level bhi Pakistan ko represent kar chuka hoon. और इस वक्त जो है कि यहाँ पे दी मास्टर्स अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के हवाले से मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे हम जो अपने स्टूडेंट्स को कराटे, किक बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, जिमनास्टिक और डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो कि अपकमिंग एक कराटे इवेंट आ रहा है, प्रो कराटे बैटल, KDKKR जो है उसको जो है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसके डायरेक्टर शिहान दानिश साहब हैं और वो बहुत अच्छा स्टेप उठा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में एक ट्रेडिशनल कराटे को जो है, ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट को वो लेके आ रहे हैं और इसमें हमारे जो जितने भी मार्शल आर्ट से रिलेटेड जो क्लब्स हैं, जो फेडरेशंस हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है कि वो किसी भी स्टाइल से हैं तो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपने स्टाइल को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, अपनी वर्थ को दिखा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह द मास्टर्स अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट के प्लेटफॉर्म की तरफ से भी मैं यहाँ पे अपने दो जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं यहाँ पे हमने उनको सेलेक्ट किया है, और जिनमें एक वसीम भी हैं, सईदुल्ला भी हैं और एक रिजवान भी हैं, तो वो भी शॉर्ट लिस्टेड हैं। इंशाल्लाह उनको हम यहाँ पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपकमिंग इवेंट के लिए, और वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट इंशाल्लाह आने वाले इवेंट में ये अच्छी परफॉर्मेंस शो करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त इस किस्म के इवेंट पाकिस्तान में होते रहने चाहिए, चूँकि जो ट्रेडिशनल कराटे है वो आस्ता आस्ता चूँकि कम होता जा रहा था और हम दूसरी स्पोर्ट्स की तरफ भी हम आ रहे थे, लेकिन जैसे ये जो ऑडियंस है उनको, देखने वालों को भी एक मज़ा आएगा इस फाइट का। और KKTDR के जो एक प्लेटफॉर्म से जो ये प्लेटफॉर्म है, ये चूँकि इंशाल्लाह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और इसमें हमारे प्लेयर्स के लिए एक बड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ, अभी तो ये चूँकि नेशनल लेवल का इवेंट है जिसमें पूरे पाकिस्तान से हर प्रोविजन से दो दो फाइटर्स लिए जा रहे हैं, 16 फाइटर्स होंगे, उनमें से जो भी फाइटर बनेगा चूँकि स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होगा पाकिस्तान का। और इसमें एक बड़ा अच्छा स्टेप ये भी है कि वो फुल स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, कैश प्राइजेस भी दिए जा रहे हैं, तो बड़ा एक मोटिवेशन है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे फाइटर्स के लिए, कि वो इस किस्म के इवेंट अगर मिलते रहेंगे तो हमें खुद भी एज ए कोच मज़ा आएगा कि हम अपने प्लेयर्स को तैयार करें और प्लेयर्स को उस किस्म के इवेंट खिलाएं और इंटरनेशनली भी खेलें, ताकि पाकिस्तान का नाम जो है वो उसमें रोशन कर सकें। थैंक यू वेरी मच।